हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस लेक्चर में कि रोल ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी मोटर। ठीक है, तो कम्यूटेटर के बारे में हम लोग बहुत पहले से डिस्कस कर चुके हैं, काफी डिटेल्ड लेक्चर में ले चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि कम्यूटेटर से कैसे एडिसन ने जब जनरेटर बनाया था, जो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके इंजीनियर ने कैसे उसे सॉल्व किया था, पोलैरिटी की रिवर्सल की जो प्रॉब्लम थी, और उसको सॉल्व करके उन्होंने डीसी कम्यूटेटर डिजाइन किया था, एक स्प्लिट रिंग जिसे हम लोग कहते हैं। तो कैसे स्प्लिट रिंग ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, इसको मैं ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डीसी मोटर की। डीसी जनरेटर केस में मैंने कम्यूटेटर की पूरी वर्किंग बताई हुई है, किस तरीके से ऑपरेट करता है, और वहाँ पे वो एक रेक्टिफायर का रोल प्ले करता है। ठीक, लेकिन डीसी मोटर में क्या काम है और डीसी मोटर में अगर कम्यूटेटर नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए कोड्स टू डिकोड, यानी कि जो भी चीज़ तुम्हें सीखने को मिलेगी इस लेक्चर में, वो है क्या डीसी मोटर को हम लोग बिना कम्यूटेटर के भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसको हम सीखेंगे कि क्या मतलब है। सेकेंड चीज़ कि कम्यूटेटर का जो है रोल डीसी मोटर के केस में वो कैसे डिफर है डीसी जनरेटर केस में। देखो, डीसी जनरेटर केस में मैं जानता हूँ कि कम्यूटेटर जो है वो क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा था। अगर इसके बिना नहीं, अगर मैं कम्यूटेटर हटा दूं तो वहां पे मुझे एसी मिलने लगेगी। ठीक है, लेकिन डीसी मोटर के केस में ये कम्यूटेटर क्या रोल प्ले कर रहा है, कैसे रोल प्ले कर रहा है, इसको मैं इस लेक्चर में सीखूंगा। तीसरा पॉइंट जो था कि एसी जो है वो इंपॉर्टेंट है आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन भी आए हुए हैं, इसको अभी मैं इसमें लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि क्या एसी इंपॉर्टेंट है आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन के लिए। यानी कि मैंने देखा था जनरेटर के अंदर तो एसी बनती है आर्मेचर वाइंडिंग में, क्या मोटर के केस में भी मुझे आर्मेचर वाइंडिंग में एसी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब की शुरुआत करते हैं। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ओके, अगर ये मैं पहला केस आप लोगों को बताता हूँ कि नीड क्या है कम्यूटेटर की, यानी कि अगर हमारे पास कम्यूटेटर नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर सबसे पहला केस है विदाउट कम्यूटेटर, ठीक, तो उसको समझने के लिए मान के चलते हैं कि मेरे पास एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, ठीक, और एक मैं अगेन कॉइल ले रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको डीसी जनरेशन समझाया था, ये कॉइल है मेरे पास, ठीक है, ये कॉइल इस तरीके से रखी हुई है 0 डिग्री पे, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, ये 0 डिग्री पे रखी हुई है, ये मैं केस ले रहा हूँ 0 डिग्री का केस, ठीक, और इस साइड को मैं ले लेता हूँ ए, इस साइड को ले लेता हूँ बी, ये ए साइड है, ये बी साइड है, ठीक। अब मैंने क्या करा, इस पर पोलैरिटी दे देते हैं, इसको दे देते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी और इसको दे देते हैं नेगेटिव पोलैरिटी। तो पॉजिटिव पोलैरिटी से अगर मैं यहाँ से सप्लाई इनपुट करूँगा तो करंट कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ही वापस आ जाएगा। अब सिंपल सी अगर तुम लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, अगर आप लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स क्या है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, तो अगर लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो थंब की डायरेक्शन क्या आएगी, डाउनवर्ड निकल के आएगी, और यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो थंब की डायरेक्शन आएगी ऊपर, यानी कि एक फोर्स लगेगा इधर और इस वाले कॉर्नर फोर्स लगेगा नीचे। तो यानी कि रोटर जो तुम्हारा है, यानी कि जो कॉइल बनाई है मैंने, ये क्या करेगी, इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट हो गई एट 0 डिग्री पर जब मैंने इसे प्लेस किया था, यानी कि T1, पहला केस ले रहा हूँ, T1 की बात कर रहा हूँ, 0 डिग्री पर रखा है मैंने, तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन रोटेट हो गई, ठीक। अब जल्दी से इसका नेक्स्ट केस ले लेते हैं। अगर नेक्स्ट केस की बात करें, सेम मेरे पास एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, हमने पुराने वाले केस में क्या देखा कि ये ए वाली जो साइड थी वो नीचे जाने लगी थी, ए वाली साइड जो है वो इधर आने लगी है और बी वाली साइड जो है रोटेट होके इधर आने लगी, ठीक। तो 180 डिग्री के बाद क्या होगा, ये वाला केस हम बात कर रहे हैं 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री के बाद, तो 180 डिग्री के बाद कॉइल कुछ इस तरीके से दिखेगी मुझे, वेट, 180 डिग्री की अगर बात करता हूं मैं तो मेरे पर कॉइल जो होगी वो इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। इसको दोबारा बना लेते हैं, अगर सिंपल सा अगर मैं कॉइल ले रहा हूं, ठीक है, और जैसे मैंने पुरानी कॉइल ली थी तो 180 डिग्री के बाद ये कॉइल सेम जैसे पहले बनाई थी बिल्कुल इसी तरीके से दिखेगी, दिखने में सेम रहेगी, लेकिन अब क्या होगा, जब ये घूम के यहाँ आ रही होगी, यानी कि पहले ए साइड थी, ध्यान से देखो, ए साइड यहाँ थी, ये घूम के यहाँ पे आ गई, ठीक। तो अब ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है, और मैं क्या कर रहा था, ए में क्या दे रहा था, पॉजिटिव करंट दे रहा था और बी में निगेटिव करंट दे रहा था, सेम पोलैरिटी मेंटेन रखूंगा, ए में क्या दूंगा, पॉजिटिव करंट और बी में निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव करंट दोगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरीके से होगी 180 डिग्री के बाद, इंपॉर्टेंट चीज़ है, 180 डिग्री के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि हाफ साइकिल घूम चुकी है, यानी कि रोटर जो था पहले इस तरीके से यहाँ पे था जीरो पे, जीरो से घूम के यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो 180 डिग्री यानी कि हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। अब देखो ऐसे केस में अगर तुम यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो देखो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है जो पहले केस में थी वो अब रिवर्स हो जाएगी, यानी अब क्या फोर्स की डायरेक्शन आएगी, इस पर डायरेक्शन लगेगी डाउनवर्ड और इस पर डायरेक्शन लगेगी अपवर्ड, आप लगा के देख सकते हैं जब लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे। देखो पुराने केस में डायरेक्शन ऑफ यहाँ क्या थी, अपवर्ड थी, जबकि इस केस में डायरेक्शन क्या निकल के आई, फोर्स की, अब डाउनवर्ड निकल के आई, यानी कि अब मोटर किधर रोटेट करने की कोशिश करेगी, इस तरीके से। तो देखो यानी कि 0 डिग्री पे जब तुमने कॉइल को रखा है तो मोटर इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश कर रही है, 180 डिग्री के बाद यानी कि हाफ साइकिल के बाद मोटर इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश कर रही है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, तो भैया मोटर आपकी केवल वाइब्रेट करती रहेगी इस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर तुमने पोलैरिटी को मेंटेन नहीं रख पाए, यानी कि अंदर जो है, ठीक है, अगर
पोलैरिटी सॉरी मेंटेन पोलैरिटी अगर तुमने रिवर्स नहीं करी, अगर सेम पोलैरिटी देते रहे, यानी कि ए को अगर हमेशा तुमने पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना, अगर ए को तुमने पॉजिटिव पोलैरिटी से हमेशा कनेक्ट रखा तो मोटर जो तुम्हारी जो बना रहे हो ना डीसी मोटर, वो तुम्हारी केवल ऑसिलेट करेगी, वाइब्रेट करती रहेगी। देखो मैंने बात करके दिखा भी दिया, 0 डिग्री पे डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, आधी साइकिल बाद यानी कि 180 डिग्री पे डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, रिवर्स है। तो देखो क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो गया तो मोटर क्या करेगी, ऑसिलेट करती रहेगी, एक ही जगह पे केवल वाइब्रेट करेगी, ठीक। और ऐसे में तुम्हें आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट में कोई भी टॉर्क नहीं मिलेगा, रिजल्टेंट टॉर्क, ठीक, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इससे क्या निकल के आया कि अगर तुमने ए को पॉजिटिव पोलैरिटी दी 0 डिग्री पे और पॉजिटिव पोलैरिटी दी 180 डिग्री पे, ठीक है, जबकि बी को तुमने क्या दिया, नेगेटिव पोलैरिटी 0 पे दी और नेगेटिव पोलैरिटी 180 डिग्री दी, तो ऐसे केस में क्या होगा, मोटर जो होगी मोटर वो ऑसिलेट करेगी केवल, यानी कि ऑसिलेट कह सकते हो या फिर कह सकते हो वाइब्रेट करेगी, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मोशन नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, यानी कि मोटर जो होगी रोटेट नहीं करेगी, वो रोटेट नहीं करेगी, रोटेट नहीं करेगी, ठीक, यानी कि यूनिडायरेक्शनली रोटेट नहीं करेगी, यूनिडायरेक्शनल मोशन नहीं मिलेगा, ठीक। अब जरा देखते हैं कि कम्यूटेटर लगाने से ऐसा क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो जरा देखते हैं कि अगर कम्यूटेटर में लगा देता हूं तो डीसी मोटर के ऑपरेशन में क्या चेंज आएगा, जल्दी से देख लेते हैं इसको। पहला 0 डिग्री केस ले रहा हूं, सेम केस ले रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बहुत ध्यान से समझना, ये हमारे पास रोटर है, ठीक है, इसको इस तरीके की जगह इसको रिवर्स ले लेते हैं, यानी कि क्वाइल सिंगल क्वाइल जैसा मैं पुराना केस लिया था बिल्कुल वही क्वाइल ले रहा हूं, ठीक, ये क्वाइल थी इस तरीके से, ठीक है, ये क्वाइल आ गई यहाँ पे। अब बस मैंने करा क्या है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिए हैं कम्यूटेटर, यानी कि स्लिप रिंग स्प्लिट रिंग, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्प्लिट रिंग कनेक्ट कर दिया, ठीक, और ये लगाया ब्रश, ये मैंने दो ब्रश कनेक्ट कर दिए और ये स्प्लिट रिंग है, बहुत ध्यान से देखना स्प्लिट रिंग है। तो अगेन ले लेते हैं, ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये ए डैश ले लेता हूँ स्प्लिट रिंग, ये बी डैश स्प्लिट रिंग ले लेता हूँ, ठीक है, और ये हमारे पास ब्रशेज हैं, ब्रश पे मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ या नेगेटिव दे रहा हूँ, जैसी पॉजिटिव नेगेटिव दोगे तो देखो करंट इस तरीके से जाएगा अंदर और यहाँ से वापस आ जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल देखो ऐसा ही है जैसा यहाँ बनाया था मैंने, सिमिलर केस है, ठीक है, सिमिलर केस है। तो अगर इस केस की बात की जाए, इस केस में तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की अगर बात की जाए तो इस पे देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो लगेगी, लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे जल्दी से तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसमें अपवर्ड लगेगी और इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, यानी कि जो तुम्हारी मोटर है वो इस डायरेक्शन में तुम्हारे रोटेट होना शुरू कर देगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, अगर तुमने इस तरीके की पोलैरिटी मेंटेन रखी, क्लियर हो रहा है। ये जो अंदर करंट जा रहा है ना, अगर मैं इसे कंडक्टर में देखूंगा तो ये क्रॉस दिखेगा और ये डॉट दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा, ठीक। तो इस डायरेक्शन में आप निकाल सकते हो नॉर्थ साउथ फ्लक्स की डायरेक्शन, ये है सिंपल से, लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे डायरेक्शन रोटेशन निकल के आ जाएगी, क्लियर। अब देखते हैं 180 डिग्री बाद, यहीं पे सारा खेल बदल जाएगा, अगर ध्यान से देख रहे हो तो समझ में आएगा। 180 डिग्री के बाद क्या होगा, 180 डिग्री बाद देखो यह नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल है और कॉइल तुम्हारी जो होगी वो जिस तरीके से प्लेस्ड है, ठीक, ये रही। अब यहां से केस जो होगा वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, कम्यूटेटर रिंग की बात कर रहे हैं, कम्यूटेटर रिंग इस तरीके से प्लेस्ड है, स्प्लिट रिंग जिसे कहते हैं, ठीक। अब देखो मैंने क्या करा, ब्रश अपनी जगह रखे हुए हैं, ब्रश मैंने इस पे लगे हुए थे, इस तरीके से ब्रश लगा रखा है, ठीक, ब्रश को मैं पॉजिटिव और नेगेटिव ही दे रहा हूँ क्योंकि बाहर हम लोग क्या कर रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तो यानी कि ये तो फिक्स रहेगा, क्लियर हो रहा है। अब क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, जो कम्यूटेटर पहले ऐसे थे वो थोड़ी देर बाद यानी कि 90 डिग्री के बाद की अगर बात करूँ तो वो ऐसे हुए होंगे, यानी कि ये वाला कम्यूटेटर नीचे आ गया, ठीक, और ये वाला कम्यूटेटर ऊपर चला गया कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट 90 डिग्री की बात करूंगा तो वो कम्यूटेटर इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे ए साइड घूम के यहाँ आ गई है 180 डिग्री के बाद इस तरीके से और बी साइड जो है वो यहाँ पे पहुंच गई है। अच्छा, अगर बात करूं मैं ए डैश और बी डैश की, यानी कि कम्यूटेटर रिंग्स की, स्प्लिट रिंग जो थे उनकी क्या पोजीशन है, तो कम्यूटेटर रिंग जो ए डैश वाला है वो यहाँ पे आ गया घूम के और बी डैश वाला रिंग जो है वो यहाँ पे आ गया घूम के, ठीक। तो क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये चीज सारी चीजें क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो तुम यहाँ क्या दे रहे हो, पॉजिटिव दे रहे हो, तो वापस से पॉजिटिव करंट इस तरीके से जाएगा, ठीक, और यहाँ से तुम क्या दे रहे हो, नेगेटिव दे रहे हो, यानी कि यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है। तो अब देखो क्या हुआ, स्प्लिट रिंग यूज करने से क्या हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट थी, पोलैरिटी जो करंट की डायरेक्शन की थी या पोलैरिटी कह लो ए में, वो देखो रिवर्स हो गई। पहला केस देखो, इस केस में ए की पोलैरिटी क्या है, ए की जो पोलैरिटी अगर ए की बात की जाए तो उसमें क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्टेड है, लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल में यानी कि 180 डिग्री के बाद ए किससे कनेक्टेड हो गया, नेगेटिव साइकिल से, ए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब देखो जब इस तरीके से कॉन्सेप्ट होगा, अब यहाँ पे वापस से लगाओगे तो देखो सेम फिगर है जैसे यहाँ थी, सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ऐसे में जो फोर्स होगा वो इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड रूल सिंपल से लगा लो तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड, इधर लगाओगे लेफ्ट हैंड रूल तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, ये हो गया। इस केस में भैया डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। 180 डिग्री बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो दोनों के दोनों मोशन में क्या है, यानी कि अगर बात की जाए 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या था, एंटी क्लॉकवाइज।
180 डिग्री बाद कितना था एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई मोटर क्या होगी, तो नेट मोशन कितना हुआ, नेट रोटेशन, नेट रोटेशन तुम्हारा क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि मोटर क्या होगी इस डायरेक्शन में रोटेट कंटिन्यूअसली करती जाएगी। ठीक है, तो देखो कम्यूटेटर लगाने से तुम्हारे सामने सारी चीजें, अगर मैं इसका टेबल बना लेता हूँ, अगर इसको टेबल के रूप में समझूं तो मैंने क्या देखा, अगर एक टेबल की बात कर ली जाए जल्दी से, तो देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ए और बी की, ठीक है, ए और बी क्लियर हो रहा है, यहाँ पे जल्दी से एक टेबल बना लेते हैं ए और बी की। तो अगर जीरो डिग्री पे बात की जाए तो इस पे क्या था पॉजिटिव थी, इस पे नेगेटिव थी, ठीक है। 180 डिग्री की बात की जाए, 180 डिग्री की बात, तो इस पे क्या होगा नेगेटिव हो गया, इस पे पॉजिटिव हो गया, इन प्लेस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ कम्यूटेटर, यानी कि अगर तुम कम्यूटेटर यूज कर रहे हो तो पोलैरिटी क्या हो रही है अंदर, रिवर्स हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पोलैरिटी क्या हो गई, पोलैरिटी रिवर्स, पोलैरिटी जो थी वो रिवर्स हो गई, ठीक क्लियर हो रहा है। और जैसी पोलैरिटी रिवर्स हुई तो उससे क्या हुआ, पोलैरिटी रिवर्स से ही एक यूनिडायरेक्शनल मोशन बन पाया। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, आपने जितना भी मैंने तुम्हें सिखाया है कि अगर तुम ए और बी की, यानी कि अंदर आर्मेचर वाइंडिंग, ए और बी क्या, ये क्या आर्मेचर वाइंडिंग ही तो है, अगर तुम अंदर के जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको, अगर तुम ए और बी की डायरेक्शन पोलैरिटी जो है ए और बी में जो मिल रहा है अगर उसको रिवर्स नहीं करोगे, यानी कि अल्टरनेटिंग नहीं दोगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, मोटर तुम्हारी केवल वाइब्रेट करती रहेगी और ऑसिलेट ही करती रहेगी, रोटेशनल यूनिडायरेक्शनल मोशन नहीं कर पाएगी, जैसे कि इस केस में था। इस केस में आपने क्या करा था, ए के अंदर ए की डायरेक्शन देखो, ए में तुमने यहां पे पॉजिटिव दिया था, ठीक है, और बी पे क्या दिया था नेगेटिव दिया था। नेक्स्ट केस में भी तुमने यही दिया, ए को तुमने क्या दिया, ए को तुमने पॉजिटिव दिया और बी को क्या दिया नेगेटिव, तो देखो ए की डायरेक्शन ये रही, तो 180 डिग्री बाद क्या हुआ, मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, ऑसिलेशन हो जाएगा, केवल वाइब्रेट करेगा, क्लियर हो रहा है। जबकि अगर आपने कम्यूटेटर लगा दिया, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ कम्यूटेटर की बात कर ली जाए, तो देखो तुम कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग लगाने से क्या हुआ कि जब ए अपनी डायरेक्शन फ्लिप करके 180 डिग्री बाद साउथ के पास जाएगा, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, उसकी जो पोलैरिटी जो पहले पॉजिटिव थी वो क्या होगी नेगेटिव हो जाएगी, यानी पोलैरिटी क्या कर रहे हो तुम, अल्टरनेट कर रहे हो, यानी कि रिवर्स कर दे रहे हो, यानी कि उसको चेंज कर रहे हो, कॉन्स्टेंट पोलैरिटी नहीं दे रहे हो, ठीक क्लियर हो रहा है यहाँ पे। जबकि आउट इनपुट क्या दे रहे हो, इनपुट क्या है भैया, इनपुट तुम्हारा डीसी, यानी कि इनपुट में तो तुम फिक्स पोलैरिटी दे रहे हो, डायरेक्ट करंट दे रहे हो, लेकिन अंदर जाके वो करंट कम्यूटेटर क्या कर रहा है, उसे एसी कन्वर्ट, एसी करंट में कन्वर्ट कर दे रहा है एसी में, यानी कि अल्टरनेटिंग पोलैरिटी। देखो इसको देख सकते हो, ये मैंने टेबल जो बनाई है यहां से भी समझ सकते हो, इनपुट में क्या दे रहे थे, इनपुट जो है वो क्या है डीसी, यानी फिक्स पोलैरिटी, जबकि जो आर्मेचर वाइंडिंग की बात की जाए, आर्मेचर के अंदर यानी कि रोटर के अंदर की बात की जाए, तो कम्यूटेटर क्या कर रहा है पोलैरिटी को देखो रिवर्स कर दे रहा है, ठीक है, पोलैरिटी रिवर्स, तो ए पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव, तो पोलैरिटी अंदर जाकर क्या हो रही है रिवर्स हो जा रही। तो यहां पे अगर आपने कम्यूटेटर यूज नहीं करोगे तो मोटर आपकी यूनिडायरेक्शनल मोशन परफॉर्म नहीं करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि अगर आपके पास कोई डीसी मोटर है और आपने उसमें से कम्यूटेटर निकाल लिया, तो ऐसे केस में मोटर जो होगी वो केवल वाइब्रेट करती रहेगी, एक यूनिडायरेक्शनल मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि कम्यूटेटर जो है वो अंदर क्या कर रहा है रिवर्स पोलैरिटी का करंट बना रहा है, यानी पोलैरिटी को लगातार चेंज कर रहा है, कह सकते हैं एसी करंट जनरेट कर रहा है अंदर, ठीक, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो जल्दी से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या मैंने सीखे। सबसे पहला पॉइंट कि डीसी मशीन चाहे रोटर मोटर हो या जनरेटर हो, सबके अंदर एसी ही होती है, याद करो जनरेटर मैंने बताया था, जनरेटर के अंदर जो तुम्हारा रोटर था उसके अंदर क्या बन रही थी एसी बन रही थी, और उसको बाहर फिक्स पोलैरिटी लाने के लिए कम्यूटेटर यूज करा था तो मुझे डीसी मिल रही थी। जबकि अगर बात की जाए मोटर की, तो मोटर में बाहर डीसी है लेकिन उसको ऑपरेट कराने के लिए यहाँ एसी चाहिए, यानी कि अल्टरनेटिंग पोलैरिटी चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कम्यूटेटर। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल का है, कम्यूटेटर अगर तुम जनरेटर में यूज करोगे तो वो रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। वहीं पर अगर कम्यूटेटर तुम मोटर में यूज करोगे तो किसकी तरीके से, वो जो डीसी सप्लाई दे रहे हो ना, डीसी सप्लाई उसको क्या करेगा एसी इनपुट, एसी आर्मेचर करंट में कन्वर्ट कर देगा, एसी आर्मेचर करंट, ठीक है, यानी कि एसी में कन्वर्ट कर देगा, तो इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में आया है, गिनती नहीं है इस क्वेश्चन की कितने एग्जाम्स में आया, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है इसे। आई होप इसे समझ में आई होगी, मैंने ये तुम्हें करके दिखाया, टेबल के रूप में बता दिया है, आई होप इससे ज्यादा मैं आपको ये लेक्चर, ये टॉपिक नहीं समझा सकता। अगर कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो तुम इसको अपने आप जब कॉपी बना के देखोगे तो तुम्हें इसे समझ में बहुत ईजिली आ जाएगा, ठीक है, अगर कम्यूटेटर हटा दोगे तो पोलैरिटी किस तरीके से वेरी होना बंद हो जाएगी, ठीक। तो जल्दी से कंक्लूड कर देते हैं, अगर ये लेक्चर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो, मैं उसके ऊपर लेक्चर बना के आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात की है, क्या क्या सीखा मैंने, मोटर विदाउट कम्यूटेटर, अगर भैया कम्यूटेटर यूज नहीं करा तो क्या होगा, डीसी जो तुम दे रहे हो वो अंदर भी डीसी जाएगी, और ऐसे केस में क्या होगा वाइब्रेशन, यानी कि केवल वाइब्रेट करेगी मोटर, रोटेट नहीं करेगी, ठीक है। वहीं कम्यूटेटर लगा दोगे तो कम्यूटेटर लगाने से क्या होगा, जो डीसी तुम दे रहे हो इनपुट में वो अंदर जाके एसी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऐसे केस में मोटर क्या करेगी, यूनिडायरेक्शनल
मोशन करेगी, यूनिडायरेक्शनल मोशन, ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो रोटेट करने लगेगी, ठीक। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट थी जो यहाँ पे बता रखी है कि अगर कम्यूटेटर का रोल तुम जनरेटर में यूज कर रहे हो, जनरेटर में, तो वो है रेक्टिफायर का रोल, जबकि अगर सेम कम्यूटेटर तुम मोटर में यूज करो तो वो इन्वर्टर का रोल प्ले करेगा, ठीक। आयो भी लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इसमें मैंने आपको डीसी मोटर में अगर कम्यूटेटर नहीं होगा तब क्या होगा, कम्यूटेटर के होने से कैसे डीसी मोटर ऑपरेट करने लगती है, कैसे डीसी करंट जो तुम सप्लाई में दे रहे हो वो अंदर जाके एसी में कन्वर्ट हो जाता है मैकेनिकल रेक्टिफायर के थ्रू, मैकेनिकल इन्वर्टर के थ्रू, जिसका नाम है स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर सेगमेंट। तो कैसे कम्यूटेटर एक बाहर के डीसी करंट को अंदर एसी करंट में कन्वर्ट करता है, ये सारी चीजें मैंने इसमें सिखाने की कोशिश की है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।